हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो यूपी टेट लाइव मैथ्स क्लास के अंतर्गत आज लेक्चर पहला हम लेकर आए हैं। पूरे पाठ्यक्रम की हम यहां पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि कहां से कैसे संभावित प्रश्न बनते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि आज इस लेक्चर पहले में मैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके इस परीक्षा के लिए, संभावित 3 से 4 प्रश्न इससे बराबर बनते रहे हैं। और जब मैं इसके प्रश्न को सॉल्व कराना शुरू करूंगा तो आपको ये बताऊंगा कि पिछले किस परीक्षा में कौन से हेडिंग का कैसा प्रश्न बना था, और एग्जैक्ट वो प्रश्न भी मैं कराता चलूंगा जो इसके पीछे 2011 से 18 तक की परीक्षाओं में ये संपन्न प्रश्न हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो पूछे गए हैं उसकी हम क्रमवार चर्चा करेंगे। तो आपको ये बताना चाहेंगे, जो पहला टॉपिक मैंने संख्या पद्धति का लिया है, तो आप जो मैंने यहाँ पे हेडिंग रखे हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है और क्या पढ़ना है। मतलब गणित के प्रश्नों को एक निश्चित पैटर्न के अनुसार सॉल्व कराया जाए ताकि आप गणित को एक सहज विषय के रूप में देख सकें। तो चलिए, पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने जो आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से हेडिंग को सेलेक्ट किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप लेफ्ट साइड में जो मैंने 4 हेडिंग रखे हैं इसके इस साइड का आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो चलिए, अब राइट साइड में जो पाठ्यक्रम का नेक्स्ट कड़ी, जो शेष रिमेनिंग पार्ट है, उसका आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहां तक मैं आपको बता देना चाहेंगे कि कुल हमने 32 प्रकार के प्रश्नों को रखा है, जिसमें संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता, इकाई के अंक ज्ञात करने में 3 हेडिंग है, योग पर जो प्रश्न है, योग से संबंधित प्रश्न, उसके कुल अलग अलग 4 मुख्य हेडिंग में 7 प्रकार के प्रश्न मैंने रखे हैं, क्योंकि भिन्नात्मक योग में यहां 4 प्रकार के प्रश्न है। आगे विभाज्य में मुख्य मैंने 5 प्रकार किया है, लेकिन इसमें कुल 10 प्रकार के प्रश्न है। फैक्टराइजेशन, गुणनखंड में 3 प्रकार के प्रश्न, संख्याओं का परिचय, संख्याओं पर प्रश्न 5 प्रकार में है, अंकों से संख्या बनाना और विविध प्रश्न। तो ये आपके इस नंबर सिस्टम में कुल 32 हेडिंग आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। बेहद ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम प्रश्न सेशन का शुरुआत करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके बाद सरलीकरण के 5 पार्ट, इंडेक्स, सर्ट्स, फ्रैक्शन, बोर्ड मास एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के ये 5 सेक्शन आने से ऐसे। तो अब इस पैटर्न के बाद आगे आप प्रतिशत लाभ हानि, ब्याज में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरीके से एकिक नियम, अनुपात समानुपात के टॉपिक को लेते हुए 2D 3D और सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी के प्रश्नों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर पहले के इस पैटर्न में, जिसमें आपने पहला हेडिंग किया था संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता। तो चलिए शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं। तो इस हेडिंग से सहूलियत ये होगी कि आपको ये पता चलता रहेगा कि कहां से कितने प्रश्न मैंने रख दिए हैं, अभी किन प्रश्नों को आपको पढ़ना है। चलिए, मैंने पहला हेडिंग यहां से लिया है, संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता। देखिए, इसमें हमें कोई अतिरिक्त थ्योरी या सूत्र बनाने की जरूरत नहीं है, बेहद आसान प्रश्न के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मैंने यहां से एक प्रश्न लिखा कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। चलिए, ये पहला प्रश्न मैंने रखा है, बेहद आसान है। देखिए, हम कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि 1 से लेकर 50 तक की संख्या जैसे हमें रखनी है, तो हमें लगता है कुल 10 संख्या की जरूरत पड़ेगी, 0 और साथ ही साथ 1 से लेकर 9 तक की संख्या, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर कितने अंकों की, पहले आप यहां से ध्यान देंगे, 1 से लेकर 9 तक की संख्या में
कुल आवश्यक अंक कितने होंगे, यहां से ध्यान देना, कुल आवश्यक अंक कितने होंगे, चलिए यहां से देखते हैं। एक से लेकर नौ तक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये सभी एकल अंक की संख्या। थोड़ा यहां पे साइड में आप ध्यान देंगे, जैसे इस तरीके से हम एक से लेकर नौ तक लिखें तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो एक से लेकर नौ तक ये सभी एकल अंक की संख्या है और कुल पद है नौ। एक से लेकर नौ तक में कुल नौ पद हैं और ये सभी नौ पद एकल अंक की संख्या में हैं, तो नौ अंकों की आवश्यकता तो यहां हो जाएगी। इतना बात समझ आए हैं। अब हम बात करेंगे, चूंकि हमें एक से लेकर पचास तक की संख्याएं लिखनी है, तो अब ध्यान देना, अब जैसे ही 10 आप लिखेंगे तो दो अंक की आवश्यकता पड़ेगी, 10 लिखने में कितने अंक की आवश्यकता होगी, दो। अब 11 लिखेंगे तो यहां भी दो अंक की आवश्यकता होगी, 12 लिखेंगे तो भी दो अंक की आवश्यकता, इसी तरीके से होते हुए 50 तक लिखेंगे। तो आप पहले बताएंगे कि 10 से लेकर 50 तक, या यहीं से समझिए, 10 से लेकर 50 तक में कुल कितने पद होंगे, 41। कैसे, एक से 50 तक में कुल 50 पद होंगे जिसमें 9 संख्याओं की चर्चा इसके पहले हमने कर ली, मतलब 9 पद हटा दीजिए क्योंकि ये सभी एकल अंक की संख्या है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब 10 से लेकर 50 तक, मतलब सभी द्वि अंक की संख्या है, इन संख्याओं को लिखने में कुल कितने आवश्यक अंक होंगे, चलिए ध्यान देते हैं। तो 10 से लेकर 50 तक में कुल 41 पद हैं, ये बात समझ है कि नहीं, कैसे, एक से 50 तक में कुल 50 पद हैं जिसमें ये 9 पद हटा दीजिए, 41 पद होंगे और सभी द्वि अंक की संख्या है, मतलब 10 लिखने में भी दो अंक की जरूरत पड़ेगी, 11 को लिखने में भी दो अंक की, 12 भी लिखने में, होते हुए 50 तक। तो 10 से लेकर 50 तक में 41 पद होंगे, 41 दुना 82। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जब एक से लेकर 50 तक के अंक लिखेंगे तो कुल 92 अंकों की आवश्यकता होगी। कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, सॉरी 91, 82 और 9 कितने, 91 अंकों की आवश्यकता होगी। तो ये आपने देखा। चलिए एक प्रश्न इससे जुड़ा और लिख लेते हैं। जैसे मान लिया मैं यहां से लिख दूं 26 से लेकर 200, जैसे मैंने यहां पर एक प्रश्न लिखा कि 26 से लेकर 200 तक की संख्या यदि लिखनी हो तो 26 से लेकर 200 तक में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, चलिए क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमें 26 से लिखना है और कहां तक, 200 तक। तो पहले 26 से लेकर 99 तक का हिसाब अलग कर लीजिए, ध्यान देना, 26 से लेकर 99 तक में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये कुल आवश्यक अंक हम चलिए यहां से देख लेते हैं। सबसे पहले आप बताइएगा, जैसे हम 26 से शुरुआत करें, 26, 27, 28 होते हुए यहां तक 99 तक आए, तो पहले आप हमें बताएंगे कुल कितने पद होंगे 26 से लेकर 99 तक। अच्छा, आप पहले प्रैक्टिकली सोचिए, यदि मैं एक से लिखता 1, 2, 3, 4 होते हुए 99 तक, तब पद होते 99। यदि मैं एक से लिखता 99 तक, तब पद कितने होते, 99। लेकिन 25 तक तो गायब है ना, एक से 25 तक तो यहां है नहीं, क्योंकि हम शुरुआत ही 26 से करें, तो इसका मतलब 99 में से ये 25 पद घटा दीजिए, तो पद होंगे 99 माइनस 25 और गुणा, चूंकि प्रत्येक पद को लिखने में दो दो अंक की आवश्यकता होगी, जैसे 26 लिखेंगे तो भी दो अंक की, 27 लिखेंगे तो भी दो अंक की, तो गुणा दो करेंगे, कहने का मतलब 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 2 गए 7, 74 होंगे और गुणा 2, तो ये अंकों की आवश्यकता होगी। मतलब 26 से लेकर, यहां से ध्यान देना, 26 से लेकर 99 तक में कुल कितने पद होंगे, 74। कैसे, एक से लेकर 99 तक में कुल 99 पद होते हैं लेकिन 25 पद यहां तक नहीं है, शुरुआत ही 26 से है, तो वही कुल 99 में से 25 घटा दीजिए, कुल पद 74 हैं और सभी पद को लिखने में दो दो अंक की आवश्यकता है, तो 74 गुणा 2, तो 2 चौके 8, 2 सत्य 14, 148 अंक की तो जरूरत पड़ जाएगी जब आप 26 से लेकर 99 तक लिखेंगे। अब हम बात करते हैं 100 से लेकर 200 तक की संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी, चलिए बताइएगा।
अब शुरुआत करें 100 से 200 तक, तो 100 भी एक पद हो जाएगा। अब 100 के आगे 100 और जाएंगे तब 200 आएगा, तो 100 पद आगे और एक स्वयं 100, तो कुल 101 पद होंगे। और पूरे पद को लिखने में 3-3 अंक की आवश्यकता होगी। कैसे? जैसे आप 100 लिखेंगे तो भी 3 अंक की जरूरत पड़ेगी, 101 लिखेंगे तो भी 3 अंक की, 102 लिखेंगे तो भी, तो होते हुए 200 तक जाएंगे तो यहां तक पद होंगे 101। कैसे? 100 के आगे 101 से लेकर 200 तक में 100 पद होंगे और एक ये स्वयं 101 × 3, तो यही हमारा जवाब मिला 303। तो मतलब 26 से लेकर जब 200 तक जाएंगे तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 8 × 3 = 11, 4 × 1 = 5, 3 × 1 = 151 अंकों की आवश्यकता होगी। तो प्रश्न का नेचर बेहद सरल था, आसान था। चलिए मैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर प्रोसीड करा हूँ, कंटिन्यू करा हूँ। चलिए ध्यान देते हैं, बस इसमें पदों की संख्या निकालते जाइएगा। संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता से संबंधित आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक आसान सा पैटर्न था। अब देखिए दूसरा मूल हेडिंग जो होता है, इसमें जो मैं अपने पढ़ाने के क्रम में रखता हूं, वो इकाई का अंक होगा दूसरा मुख्य हेडिंग। बेहद महत्वपूर्ण हेडिंग है और इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें 3 मुख्य हेडिंग में प्रश्न जनरेट किए जाते हैं, जिसका पहला मुख्य हेडिंग है वो आपने सिलेबस में लिखा है, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिए यहां पर एक सवाल मैं लिख रहा हूं, बेहद आसान प्रश्न होता है, 267 × 34 × 5719 × 47 या कुछ भी लिख दे, और हम आपसे ये पूछें कि इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। चलिए ये सवाल मैंने दिया है। देखिए हमारा मेन फोकस यहां पर केवल और केवल किससे है? इकाई के अंक से। तो इसलिए हम बाकी सभी का गुणा ही क्यों करें, जब हमें मतलब केवल इकाई के अंक से है, तो इस तरीके से समस्त संख्याओं की गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल इकाई के अंक पर ही कंसंट्रेट करिए और गुणा तो आप अवश्य करिए, लेकिन सभी में केवल आप इकाई का अंक नोट करते हुए इन्हीं का आपस में गुणा करिए, बाकी पूरा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे इसमें इकाई का अंक 7 है, आगे इकाई का अंक 4 है, इसमें इकाई का अंक 9 है और आगे इकाई का अंक 6 है, तो इस तरीके से केवल इन्हीं का आपस में गुणा करिए और अभी भी पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब इस क्रम में तरीका यह है कि आप क्रमागत संख्याओं का इस तरीके से गुणा करते जाइए और जैसे ही मान दहाई में जाए, दहाई के अंक को छोड़कर बचे इकाई के अंक से अगली संख्या में गुणा करिए, यही क्रम चलता रहेगा, लास्ट में प्राप्त इकाई का अंक ही अभीष्ट उत्तर होगा। मेरे कहने का सेंस समझिए, जैसे 7 का गुणा 4 में गुणा करें तो 7 × 28। अब गुणा करते समय जैसे ही मान दहाई में आ जाए, हमें दहाई के अंक से कोई लेना देना नहीं, हमें मतलब केवल इकाई से ही है, तो गुणा करते समय जैसे ही मान दहाई में जाए, दहाई को आप ड्रॉप कर दीजिए। अब बचा 8, अब उस बचे 8 से अगली संख्या में गुणा करिए, 8 का गुणा 9 में गुणा करेंगे तो 8 × 9 = 72। अब फिर जैसे ही गुणा करते, 8 × 9 = 72 ये दहाई में आ गया, तो जैसे ही गुणा करते समय मान दहाई में जाए, इसे हटा दीजिए। अब बचा 2, अब 2 का गुणा 6 में गुणा करिए, 2 × 6 = 12, जिसमें इकाई का अंक पूछा है, अतः इकाई का अंक यहां पर कितना हो जाएगा? 2। तो बस आप बात समझ रहे हैं, गुणा क्रमागत करते जाइए, जैसे ही मान दहाई में जाए, दहाई के अंक को छोड़ते जाइए और बचे इकाई के अंक से अगले संख्या में गुणा करते जाइए, लास्ट में जो इकाई का अंक मिलेगा वही हमारा उत्तर होगा। कभी कभी परीक्षाओं में क्या करता है, कहीं पर्टिकुलर एक जगह इकाई का अंक मिसिंग आउट करेगा, उसके स्थान पर स्टार या हैज दे देगा, फिर पूछता है कि विच नंबर इज टू बी रिप्लेस्ड इन स्टार वैल्यू सो दैट द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स मल्टीप्लीकेशन बी 4 or 9, जो भी है। मतलब यहाँ पे सेंस देखेगा, एक प्रश्न मैं रख रहा हूँ, पर्टिकुलर क्रम को ध्यान देंगे, बहुत ही आसान पैटर्न, पूरा का पूरा हेडिंग है। देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा 296 × 47 × 500, यहां पे समथिंग है, और 999
इसके गुणनफल में इकाई का अंक 4 हो तो हैज का न्यूनतम मान बताइए। तो अच्छा, आप यहां से ध्यान देंगे, प्रश्न हल करने का तरीका हमारा बिल्कुल वही है, बस इतना ध्यान देना कि यहां पर 500 समथिंग है, क्योंकि इकाई इसका मिसिंग आउट है, इसी के स्थान पे क्या रखें कि गुणनफल में इकाई का अंक 4 आ जाए। हल करने का तरीका बिल्कुल वही, सभी संख्या में केवल और केवल आप इकाई का अंक नोट करके इन्हीं का आपस में गुणा करेंगे, जैसे यहां पर 6 है, यहां पर 7 है, यहां पर हैज है और आगे 9 है। अच्छा, अभी ध्यान देना, आप जानते हैं जैसे इस तरीके से संख्याएं लिख दी जाए, आप ये जानते हैं कि क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में यदि गुणन क्रम को आगे पीछे कर दिया जाए तो गुणनफल प्रभावित नहीं होता। मेरे कहने का सेंस ये है कि जैसे 2 × 10 × 3 × 4 है, चाहे ये गुणा कर लीजिए, चाहे 2 × 4 × 3 × 10 कर दीजिए, चाहे 10 × 3 × 2 × 4 कर दीजिए, आपका गुणनफल नहीं बदलेगा। तो मेरे कहने का सेंस बस इतना ही है कि आप हैज वाली संख्या को लास्ट में कर दीजिए, जैसे यहां से 6 है, आगे 7 है, फिर 9 कर लीजिए और अंतिम में हैज को कर दीजिए। इससे सहूलियत होगी प्रश्न हल करने में। आपको करना क्या है, जैसे 6 × 7 = 6 × 42, जैसे ही गुणा करते समय मान दहाई में जाए, आप दहाई को हटा दीजिए, क्योंकि उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल इकाई से। तो 6 × 42 में दहाई का अंक 4 मैंने हटा दिया, अब 2 × 9 में गुणा करिए, 2 × 9 = 18, और जैसे ही ये मान दहाई में जाए आप फिर दहाई के अंक को हटा दीजिए। अब बचा 8, अब 8 का गुणा कराना है हैज के ऐसे मान के लिए, ध्यान देना 8 का गुणा कराना है हैज के ऐसे वैल्यू के लिए कि इकाई पर कितना जाए, इकाई का अंक 4 आ जाए। अब बताइए 8 का गुणा हैज के ऐसे किस वैल्यू के लिए गुणा करें कि इकाई में 4 आ जाए, तो 3 या 8, ध्यान देना हैज का वैल्यू 3 भी कर देंगे तब भी, देखिए 8 × 3 = 24, इकाई 4 हो जाएगा, या 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64, फिर इकाई 4 हो गया। तो मतलब फिक्स है, आप चूंकि प्रश्न में दिया है हैज का न्यूनतम वैल्यू बताइए, इसलिए मिनिमम वैल्यू जो होगा हमारा वो कितना होगा, 3, ये हमारा एग्जैक्ट उत्तर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में यदि इकाई का अंक 0 आ जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आगे बिना गुणा किए इकाई का अंक आप 0 रख सकते हैं। जैसे मैं प्रश्न ये दूं कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 होते हुए × 87, 1 से 87 तक की क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इकाई का अंक 0 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में कहीं भी इकाई 0 हो जाए तो हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक भी बार यदि इकाई 0 हुआ तो आगे चाहे जितनी संख्या लेकर गुणा कर दीजिए इकाई 0 ही आएगा। हिंट में समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 इस तरीके से, 6 × 7 ये क्रम चलता रहे 87 तक, तो 1 × 2 में गुणा करेंगे 2 ही आएगा, अब 2 × 3 में गुणा करेंगे 6 आएगा, अब 6 × 4 में गुणा करिए 6 × 24, यहाँ पे दहाई हटा दीजिए, 4 × अब आगे 5 में तो 4×5 = 20, यहाँ दहाई हटा दीजिए, अब 0 × 6 में गुणा करिए 0 हो गया, 0 × 7 में 0 हो गया। वैसे आप यहीं से ध्यान दे सकते हैं, 1 से 87 तक की लगातार संख्या है, तो बीच में 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा होते हुए, तो अब जैसे 10 ही ले लीजिए, 10 का गुणा आप चाहे जितनी भी संख्या लेकर गुणा कर दीजिए, इकाई आपको 0 ही मिलेगा। एक पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 और समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। जैसे समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में आपसे यदि पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 और समस्त सम संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक 0। इसे मैं दूसरे लेक्चर से यहीं से कंटिन्यू करते हुए, फिर आपको घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना, आदि फैक्टोरियल पद में इकाई का अंक ज्ञात करना चर्चा करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।